मैडम वो पैसे मिल जाते तो। कैसे पैसे? कैसे पैसे मतलब, आपने ही तो रिया मैडम की सगाई पर बोला था ना कि सबको मेहंदी लगा दे, उसके बाद सारे पैसे एक साथ ले जाना। कितने हुए? 12,000। अच्छा 12,000, ये तो आम लोगों के लिए हुआ, पर ये तो शहर के बाहुबली के घर का प्रोग्राम है। यहाँ खाओ पियो और 1,000-1,200 लेके खुश रहो, समझे? 1,000-1,200 में कैसे होगा मालकिन, मेरे तो साथ में ही 5 लड़कियाँ थी, कम से कम उनके पैसे तो दे दीजिए आप। तुझे समझ नहीं आ रहा मेरी बात है, मैं जो कह रही हूँ? देख मैं शादी में मेहंदी लगाने का काम भी तुझे दे दूंगी, पर अभी जितने पैसे पकड़ा रही हूँ वो चुपचाप पकड़ ले, वरना वो भी नहीं मिलेंगे। चलो भाई पैसे दो इसे। और चुप करके निकल ले अब यहाँ से। मम्मी आप उस बेचारी के पैसे क्यों मार रहे हो? अरे मैं कोई पैसे वैसे नहीं मार रही हूँ उसके, इन लोगों को अगर इनके मन मुताबिक दे दो ना तो कल को ये हमारी बराबरी करने लगेंगे। और बेटा तू अपनी शॉपिंग पे ध्यान दे ना, ये सब मैं देख लूंगी, समझे? देखिए आंटी जी, मैंने अपने छोटे भाई की शादी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो आई होप आप भी कोई कसर ना छोड़े उसकी शादी के लिए। बेटा हमारी तरफ से भी कोई कम। अरे तू यहाँ कैसे? मालकिन वो मेहंदी के पैसे। अरे मैंने तो कब से निकाल के रखे थे, यही लेने नहीं आई। चला देती हूँ, आजा आजा आजा। तुझे समझाया था ना मैंने, बात दिमाग में नहीं पड़ती तेरे? मालकिन मैं क्या करती, मेरे साथ जो मेहंदी लगाने वाली लड़कियाँ थी वो रोज़ सुबह मेरे घर पैसे मांगने के लिए पहुँच जाती हैं, मैं उन्हें पैसे कहाँ से देती, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तू आ शाम को, आज करती हूँ तेरा हिसाब मैं, पर अभी चुपचाप चली जाए यहाँ से, दफा यहाँ से। बड़ी जल्दी आ गई पैसे लेने? जी मालकिन। दिखा इस बैग में क्या है? मेहंदी है। दिखा ना। अरे दिखा तो सही। इस मेहंदी के पैसे चाहिए तुझे? ये ले मालकिन। भैया और आज के बाद से यहाँ मुझे तू नजर आ गई ना तो तेरा धंधा तो बंद कराऊंगी, साथ में जो रहने की छत मिली है ना वो भी छिन जाएगी, समझे? मम्मी आप ये क्या कर रहे हो? चुप कर रिया, चुप करके खड़ी रही है। पर पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, मिल गए पैसे तुझे, अब निकल यहाँ से। क्या देख रही है, निकल यहाँ से, निकल। ये वाला एरिया मुझे पूरी तरह से डेकोरेटेड चाहिए, और ये लॉन ये आप अच्छे से फूलों से डेकोरेट करना। जी ठीक है। एक मिनट। हाँ जी। हेलो। बहुत अच्छा बेवकूफ बनाया आंटी जी आपने हमारा। मैं कुछ समझी नहीं। ये आंटी जी ज्यादा भूली मत बनिए, समझी? हमें पता लग गया आपकी बेटी को कितनी खतरनाक बीमारी हुई है। वो तो अच्छा हुआ हमें पहले पता लग गया, नहीं तो हमारे घर में आके हमें भी बीमार कर देती। आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा ना, आप जाके सिटी हॉस्पिटल में चेक करिए। और हाँ हम रिश्ता तोड़ रहे हैं। जी मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो, मैं अभी आके बात करती हूँ आपसे, मैं आके बात करती हूँ। ये सब कैसे हुआ बेटा? कुसुम मम्मी, एक तो आपने उसके हक के पैसे उसे नहीं दिए, तो उसे बेइज्जत किया वो अलग। तो कुछ भी बकवास किए जा रही है, मैं ये सब नहीं मानती। ये बकवास नहीं है, कुसुम के बदले ही आपने ये मेहंदी का इंतजाम किया था ना। अपनी गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता है।
तो ठीक कह रही है बेटा, ये सब मेरे ही की एक ही सजा है जो तू भुगत रही है। मुझे माफ कर दे बेटा। अब माफी मुझसे क्यों मांग रही है? आपको तो उससे माफी मांगनी चाहिए जिसके साथ आपने गलत किया है। तू ठीक कह रही है बेटा, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो मेरे हाथ में अब भी है उसे मैं जरूर ठीक करूंगी। जी मम्मी। मालकिन आपने मुझे बुलाया? हाँ कुसुम। बेटा ये तुम्हारे 12,000 रुपए देने थे ना मैंने, ये ले लो। मालकिन आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा इसमें शुक्रिया की क्या बात, ये तो तुम्हारा हक बनता है। और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी बोलिए। कुसुम मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं मालकिन, अगर आपको लगता है कि आपने गलती की और उसका एहसास है आपको, तो मेरे लिए एहसास ही काफ़ी है। मम्मी चाय बन गई है, भिजवाऊँ? दीदी आपके हाथ में क्या हुआ? वो कुसुम तुम्हारे बाद जो मेहंदी वाली बुलवाई थी ना, उसकी मेहंदी से इसके दोनों हाथों को एलर्जी हो गई है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पास एक दवाई है, आप उसे लगाओगे तो 4-5 दिन में सही हो जाएगा ये। क्या तुम सच बोल रहे हो? जी मालकिन। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कुसुम, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। कोई बात नहीं मालकिन। दीदी मैं शाम को दवाई लेकर आती हूँ। ठीक है ठीक है मालकिन, मैं चलती हूँ। Greed is one of the biggest addictions in the life. If we can't control it, it'll start controlling our life. Try and avoid it. That's it for this story. See you next week. Khuda hafiz and stay positive. अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।